पीपल्स वाले का जवाब है कि इस खूबसूरत सी जगह का नाम है भाखड़ा नंगल डैम। और ये है बोट स्टेशन भाखड़ा। बोट स्टेशन भाखड़ा पहुंचने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बस में ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाइए। सेक्टर 43 चंडीगढ़ आपको पहुंचना है और वहाँ से आपको रेगुलर इंटरवल्स में ऊना की तरफ या कांगड़ा की तरफ जाती हुई बसेज मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से आप ले सकते हैं ट्रेन। दिन में 3 या 4 ट्रेन है। ट्रेन सुबह वहाँ से नंगल डैम की तरफ निकलती है और शाम को वापस जाती है। तो वन डे ट्रिप ट्रेन के थ्रू ट्रेन के द्वारा भी पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है आप खुद के व्हीकल से यहाँ आ जाइए। आपके पास कार है बाइक है तो 2 घंटे 12 या 15 मिनट में आप नंगल पहुँच जाएंगे। एक बार जब आप नंगल पहुँच जाते हैं तो उसके बाद अगला काम है आपको पहुँचना है नंगल सिटी से भाखड़ा नंगल डैम के लिए। 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप अगर बस स्टैंड से मिनी बस लेते हैं तो करीब 11 रुपये में ही आपको नंगल डैम ये छोड़ देगी। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो बस ड्राइव करते रहिए। साइन बोर्ड सामने लगे हैं। अपने व्हीकल से अगर आप आएंगे तो आपको लेना होगा एक एंट्री पास खुद के और खुद के व्हीकल के लिए। चेक पोस्ट पर एंट्री पास चेक करने के बाद ही आपको यहां आना अलाउ किया जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। टाइमिंग है सुबह 8 से लेकर 3:20 तक। जैसे आप थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला नज़ारा दिखेगा भाखड़ा नंगल डैम का। नज़ारे वाकई खूबसूरत हैं। ये भाखड़ा 0 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है यहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो डैम के ऊपर पहुँचेंगे। वहीं पर एक म्यूजियम भी है लेकिन अगर आप ये सीधी सड़क लेते हैं नैना देवी जी की तरफ तो आप पहुँच जाएंगे 1/2 किलोमीटर चलने के बाद भाखड़ा स्टेशन। एक छोटी सी पगडंडी है जो मेन रोड से उतरती है नीचे इस जगह आने के लिए और जो मिनी बस आप ले रहे हैं वो आपको यहीं इसी पगडंडी के बिल्कुल सामने ड्रॉप करती है और ये वो सड़क है जो नंगल डैम जा रही है। ये जो बस के सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं ये वो बस है जो यहाँ खड़ी है वेट कर रही थी इस बोट के पैसेंजर्स का। यहाँ से ये लोग बस लेके अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाएंगे। लोग बोट से इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि जर्नी के टाइम को बाय रोड जो 2 घंटे का जर्नी टाइम है उसे कम किया जा सके। ये बोट में हैवी डीजल इंजन्स लगे हैं और टाइम पास करने के लिए या तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं या फिर इस समझ में ना आने वाली शेर व शायरी को पढ़ के भी टाइम पास कर सकते हैं। बोट में नहीं बैठना चाहते हमारी तरह फोटोग्राफी का शौकीन नहीं है तो बाहर खड़े हो जाइए और वेट करिए ड्राइवर साहब के आने की और बोट की चलने की। नीला समंदर है नीला ही आसमां और रंग बिरंगी बोट्स। आपको ये सब देख के हनी सिंह का कोई गाना तो याद नहीं आ रहा है ना। बोट पानी में इतना स्मूथली चलती हैं सेल करती हैं कि लगता है जैसे हवा में तैर रही हूँ। हमारे ड्राइवर साहब पहुंच चुके हैं पैसेंजर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और इंजन स्टार्ट हो चुका है और जल्दी ही बोट ने स्पीड पकड़ ली। टोटल डिस्टेंस यहां से दूसरे कॉर्नर का 5.15 किलोमीटर है जिसे करीब करीब 30 मिनट में पूरा किया जाता है और टिकट है 11 रुपये। इन नज़ारों ने हमें तो मंत्रमुग्ध कर दिया। उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहे होंगे। जब ये दो बोट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रही हैं तो
आपको कैसा लग रहा है? हम इस वक्त लोकल लोगों के साथ यहाँ इन बोट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि 2 घंटे के सफ़र को 30 मिनट में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादातर इन बोट्स को यूज़ करते हैं, या फिर वो लोग इन बोट में ट्रैवल करते हैं जो जाना चाहते हैं बाबा बालकनाथ टेम्पल। उनके लिए ये ज़रूर एक रूटीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन हमारे लिए तो ये एक लग्जरी से कम नहीं है, जहाँ कुछ महीनों में एक बार ही आ पाते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। ये बोट की जर्नी, ये खूबसूरत नज़ारे और लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करना, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर कलेक्टेड वाटर होता है, एक अजीब सी शांति आप अपने अंदर महसूस करते हैं, अलग सी पीस आप अपने अंदर महसूस करते हैं। यहाँ पानी है, यहाँ हिल्स हैं, पानी के करीब आने के बाद, नदी के आसपास आने के बाद आप खुद को बहुत खुद के करीब पाते हैं। जहाँ तक नज़र जाती है पानी और सिर्फ पानी नज़र आता है, या फिर उसको घेर कर खड़ी हुई पहाड़ियाँ। पानी का रंग भी नीला, आसमान का रंग भी नीला, दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे एक दूसरे की खूबसूरती में खो गए हैं, जैसे दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ बोट चलाते हैं उन्हें बोट चलाने का लाइसेंस लेना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपनी टैक्सी या कार का लाइसेंस चाहिए। यहाँ बकायदा आपको बोट के अंदर नंबर प्लेट लगी हुई भी दिखती है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको भी ऑसम वाली फीलिंग आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिनके साथ आप एक बार तो आना ही चाहेंगे। 20 मिनट का सफ़र करके 11 रुपये पे करके हम अब दूसरे किनारे की तरफ पहुंचने लगे हैं। ये एक डॉकयार्ड की तरह है, यहाँ पर बोट्स को पार्क करके रखा जाता है। बहुत सारी छोटी और बड़ी बोट यहाँ पार्क हैं। ये छोटी डोंगी है, इन्हें फिशिंग कहा जाता है। और लीजिए, हम तो पहुँच गए दूसरे किनारे पर और तैयार हैं बोट से उतरने के लिए। ये करीब करीब 30 मिनट का हॉल्ट है, इतना ही टाइम लगता है एक बोट को ये पैसेंजर्स का वेट करने में। हम अपने साथ फिशिंग रॉड लेकर के यहाँ फिशिंग करेंगे या फिशिंग का एक्सपीरियंस लेंगे। आप यहाँ चाय पानी पी सकते हैं, खाने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर टी कॉफ़ी इन्जॉय करेंगे लेक के इस तरफ। जब तक आप यहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं, और जब आपका वापस जाने का दिल करे तो ये जो बोट आकर रुकी है उसे 11 रुपये दीजिए, बोट में बैठ जाइए और पहुँच जाइए वापस बोट स्टेशन की तरफ। तो लीजिए, ड्राइवर साहब रेडी हैं, इंजन स्टार्ट हो चुका है,
पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। कंडक्टर साहब बोर्ड से पानी निकालने में लगे हैं। और बोट लेक के इस किनारे को पीछे छोड़कर निकल चुकी है। हमने भी लेक के इस किनारे को गुड बाय कहा। बोट स्टेशन की तरफ की जर्नी दोबारा शुरू कर दी। पानी में सूरज की रिफ्लेक्शंस को देखिए और उस पीस को भी देखिए जो आप हमारे अंदर महसूस कर पाएंगे और हमारे चेहरे पर भी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा, ये नज़ारे पसंद आ रहे होंगे। अपने नियर और डियर वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एज अ पिकनिक स्पॉट यहाँ आना मत भूलिएगा। चंडीगढ़ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। खर्चा सिर्फ 200 रुपये पर हेड की रेंज में आता है, इससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपने भी उतना इन्जॉय किया होगा जितना हमने यहाँ घूमने फिरने में और इसे बनाने में इन्जॉय किया। बहुत जल्दी मिलेंगे कैंपिंग ट्रैवल इंडिया के अगले एपिसोड में। आप ये एंजॉय, रिकैप एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।